नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष पहली बार हमारा ये काव्य सम्मेलन किन्नौर के पेज में हो रहा है, राष्ट्रीय कवि इकाई मंच किन्नौर के। इसमें आज के हमारे जो काव्य पाठ करेंगे हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार हमारी बिटिया शशि किरण जी, और उसके बाद आप लोग पहले से ही रूबरू है हमारे साथ जुड़े हैं प्रियंका नेगी जी, और उसके बाद प्रियंका दीपक जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। और आज के हमारे इस मंच में हमारे साथ रूबरू कर रहे हैं हमारे आज के कहेंगे अतिथि भी कहेंगे, दोनों अतिथि है वैसे जुड़ते रहते हैं, हमारे अर्जुन नेगी जी जो SJVNL में विजिलेंस डिपार्टमेंट में है। नमस्कार सर। और हमारे आज के दूसरे अतिथि है हमारे मुकेश सर जी जो सांगला से है। तो ये हमारा किन्नौर का जो है पहला एक पहली बार एक कला संवाद हो रहा है, एक काव्य सम्मेलन हो रहा है। तो मैं सबका तहे दिल से इस मंच में स्वागत करता हूँ। विजयदशमी का त्योहार है, तो कोरोना के चक्कर से हमारा आज का विजयदशमी पूरे भारत में बहुत कम देखने को मिलेगा, फिर भी हमने इस त्योहार को अपने एक तरीके से मनाने के लिए इस मंच के द्वारा एक आयोजन किया गया है। हाँ, कोरोना के चक्कर से आज सभी देश जूझ रहा है और हम अपने त्योहारों को नहीं मना पा रहे, लेकिन किन्नौर में छोट मोट हमारी जो है मेले आदि हमारे को देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो त्योहार है आज का दशहरे का, इसी वजह से आज कई प्रांतों में नहीं हो पा रहा है। तो इस विषय पर आज हम लोगों ने काव्य पाठ रखा है, जिसमें हमने पर्यावरण और नशा और एक धार्मिक काव्य पाठ का आयोजन किया है। तो मैं सबसे पहले इस मंच में हमारे अतिथि महोदय से एक इस मंच को आगे चलाने के लिए दोनों अतिथियों से मैं वो निवेदन करता हूं कि मुझे आगे की प्रस्तुति के लिए आज्ञा दीजिए। आदरणीय अर्जुन नेगी जी और आदरणीय हमारे मुकेश जी, क्या मैं अब अपनी आगे की प्रस्तुति शुरुआत कर लूं? जी बिल्कुल जी जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच के द्वारा आप लोगों के समक्ष में बैठा हूं, और हमारे साथ आज तीन बेटियां हमारे जुड़े हैं, बहनें हमारे जुड़े हैं। तो उन सबका आभार प्रकट करता हूं। किन्नौर के लिए एक मैसेज भी है कि हमारी महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगा प्रियंका बेटी टापरी से। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज के इस दशहरे के पर्व में हमारे राष्ट्रीय कवि मंच जो किन्नौर इकाई है उसमें आकर अपना प्रस्तुति दें। हेलो, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज विजयदशमी है, तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करूंगी मिस्टर राम भगत नेगी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज के काव्य पाठ में भाग ले सकूं। धन्यवाद, और आप जी सभी का हार्दिक स्वागत है आज के काव्य पाठ में। तो जो मेरी पहली कविता है वो है नशे के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से नशे में डूबी हुई है, तो उन्हीं के लिए ये जो कविता है मैंने लिखी है। गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब कर देता सबको बर्बाद, गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब कर देता सबको बर्बाद, गांजा भांग चिट्टा अफीम का असर ऐसा होता, डूब इसमें इंसान खुद को भूल जाता। गांजा बहुत अच्छा। भांग चिट्टा अफीम का असर ऐसा होता, डूब इसमें इंसान खुद को भूल जाता। पानी की तरह पैसा बहाता, दुर्गति घर की होती, पानी की तरह पैसा बहाता, दुर्गति घर की होती। कोई दारू का शौकीन, कोई रात रात करता स्मोकिंग, कोई दारू का शौकीन, कोई रात रात करता स्मोकिंग। चिंता का अंत सब नशे में पाए, चिंता का अंत सब नशे में पाए, बेसुध होकर फिर जिंदगी में चिल्लाए। गम में तो अब हुई जिंदगानी, गम में तो अब हुई जिंदगानी, है नशेबाज की खत्म कहानी, है नशेबाज की खत्म कहानी। धुएं में उड़ रही है जवानी, धुएं में उड़ रही है जवानी, खोए सुध-बुध जीने का ढंग, खोए सुध-बुध जीने का ढंग। मुश्किल हुए जीवन के हालात, मुश्किल हुए जीवन के हालात, ड्रग्स बना ऐसा शराब। बहुत अच्छा। नशा है सिर्फ नरक का द्वार,
नशा है सिर्फ नरक का द्वार, बना देता जीवन को व्यापार। नशा है सिर्फ नरक का द्वार, बना देता जीवन को व्यापार। अतः बचकर रहो इस नशे नशे से यारो, अतः बचकर रहो इस नशे से यारो, नशे को तुम गोली मारो, नशे को तुम गोली मारो। धन्यवाद, ये थी मेरी पहली कविता बहुत नशे के अच्छा, ऊपर। बहुत अच्छा आपकी रचना। तो इसी पर मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ कि नशा पर है तो हमारे किन्नौर में नशा का जो नौजवान लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही एक सोचने के गंभीर विषय है। छोटी सी मैं इसी विषय पर कहना चाहता हूँ कि पीते हैं लोग शराब, अर्जुन सर जी, पीते हैं लोग शराब फिर होते हैं क्यों बहुत खराब, गिलास भर भर कर बोतल खाली करते हैं और जब नशा लगते तो आपस में लड़ते हैं। पीते हैं क्यों लोग शराब फिर होते हैं क्यों बहुत खराब, गिलास भर भर कर बोतल खाली करते हैं और जब नशा लगती है तो आपस में लड़ते हैं। पी लिया जब कई बोतलें तो उनकी जुबा भी होते तोतले, पी लिया जब कई बोतलें तो उनकी जुबा भी होते हैं तोतले, अपने जेबों को भी टटोलते तब अपने बटों को भी खोलते तब, हाँ अपने जेबों को भी टटोलते हैं तब अपने बटुओं को भी खोलते तब कि और लाओ अभी सुबह नहीं अभी तो शाम है। पीते हैं क्यों लोग शराब फिर होते हैं क्यों बहुत खराब। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ पहली रचना हमारी प्रियंका बेटी का था, तो इसलिए अब मैं दूसरी बार, मैं हमारे पास बैठी है हमारी बिटिया किन्नौर की, अभी पहली बार ही एक दो बार मैंने इनको फेसबुक में देखा था तो ये अभी काव्य पाठ कर रही है। तो शशि जी, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप हमारे मंच से जुड़े हैं तो आज आपकी रचना पहली प्रस्तुति जो हमारे किन्नौर राष्ट्रीय इकाई पेज में लाइव हो रहा है, तो मैं आपको अनुमति देता हूँ अपनी कोई भी रचना सुनाए। जी सर, राष्ट्र कवि संघ किन्नौर इकाई में आप सभी कवियों का हार्दिक स्वागत है और साथ में आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज मेरा पहला काव्य पाठ होने जा रहा है आप सभी के साथ। आशा करती हूँ कि अच्छे से बोल पाऊँ। और जी बहुत अच्छा, मेरा मेरी पहली कविता है, पर्यावरण पे लिखी हुई है, छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। और फूलों से सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है, खुशबू से महका हुआ है, फूलों से सजा हुआ है, खुशबू से महका हुआ है, हरी चादरों से लिपटा हुआ, हरी चादरों से लिपटा हुआ, जो मिलजुल कर रहते हम सब प्राणी, जो मिलजुल कर रहते हम सब प्राणी, उसे कहते हैं पर्यावरण। मनुष्य अपने इस विकास में भूलता जा रहा है अपना जीवन, मनुष्य अपने इस विकास में भूलता जा रहा है अपना जीवन, क्योंकि कट रहे हैं वन और फैल रहा है प्रदूषण, क्योंकि कट रहे हैं वन और फैल रहा है प्रदूषण। बहुत अच्छा, हम सबको आगे आना है, हम सबको आगे आना है, इस पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, इस पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, अपने आप से वन में एक पेड़ लगाना है, अपने आप से वन में पेड़ लगाना है, स्वच्छ और साफ वातावरण बनाना है। सबसे पहले अपने आप की सफाई, सबसे पहले अपने आप की सफाई, फिर घर और फिर मोहल्ले की सफाई, फिर घर और फिर मोहल्ले की सफाई। सबको यह सीख सिखलाना है, सबको यह सीख सिखलाना है, स्वच्छ भारत हमने बनाना है, स्वच्छ भारत हमें बनाना है। धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल, अगली कविता सुनाएं। हाँ जी,
अगर अगली कविता हो तो अगली कविता सुनाएं। बहुत अच्छा। सिग्नल की प्रॉब्लम है, तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। सर मैं दूसरी कविता सुनाने जा रही हूँ। जी हेलो सर, जी शशि जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरी नेक्स्ट कविता है हाँ सुनाइए आप। आपका वो ठीक है सिग्नल। सर, नेक्स्ट कविता है मेरी मेरा नशे पर। सर छोटा छोटा लिखा है, ज्यादा बड़ा बड़ा जी भी कोई नहीं है। तो हाँ जी, बात नहीं। नशा। नशा क्या है, नशा क्या है, नशा क्या है, क्या है नशा, कब और कहाँ से आया किसी को नहीं पता, कब और कहाँ से आया किसी को नहीं पता, दूर दूर तक देखूं तो हर मोड़ पर इसका अड्डा खड़ा है, दूर दूर तक देखूं तो हर मोड़ पर इसका अड्डा खड़ा है, हमारे नए युवा इसे पीकर जमीन पर पड़ा है, हमारी नए युवा इसे पीकर जमीन पर पड़ा है, इसकी कीमतें तो घर के भोजन से भी बड़ा है, इसकी कीमत तो घर के भोजन से भी बड़ा है, यदि घर पर खाने को ना हो तो आदमी फिर भी इसे लेने को खड़ा है, यदि घर पर खाने को ना हो तो आदमी फिर भी इसे लेने को खड़ा है, बहुत दूर रहो इस नशे से, दूर रहो इस नशे से, नशा जीवन की बर्बादी है, दूर रहो इस नशे से, नशा जीवन की बर्बादी है, अभी भी वक्त है अपने जीवन और भविष्य को बचाने की, अभी भी वक्त है जीवन और भविष्य को बचाने की। बहुत अच्छा। और मेरी अगली कविता है। बहुत अच्छा। और मेरी अगली कविता है धार्मिक पर, ये भी छोटी सी लिखी हुई है। मैं शुरू कर रही हूँ मेरी तीसरी कविता। यह माटी है अनेक धर्म और संस्कृति की, यह माटी है अनेक धर्म और संस्कृति की, सबको अपने धर्म पर गर्व है, सबको अपने धर्म पर गर्व है, कई रूप तो कई रंग है, कई रूप तो कई रंग है, यह भारत की संस्कृति का प्रसिद्ध स्वरूप है, यह भारत की संस्कृति का प्रसिद्ध स्वरूप है, सभी धार्मिक ग्रंथ अपने में महान है, सभी धार्मिक ग्रंथ अपने में महान है, पर सभी का एक ही ज्ञान है, पर सभी का एक ही ज्ञान है, धर्म के राह पर चलो, धर्म की राह पर चलो, सबका एक ही मान है, कई बहुत अच्छा। अवतार है तेरे इस भूमि पर, कई अवतार है तेरे इस भूमि पर, याद है मुझे भगवान, आपने कैसे हम सबको बचाया था, याद है मुझे भगवान, आपने कैसे हम सबको बचाया था, बाल रूप में नन्ही सी उंगली पर पर्वत उठाया था,
बाल रूप में नन्हे से उंगली पर पर्वत उठाया था। भगवान राम बनकर जन्म लिया, पूरे राक्षस कुल का कुल रावण का वध किया। भगवान राम बनकर जन्म लिया, पूरे राक्षस कुल रावण का वध किया। श्री कृष्ण के रूप में महाभारत के क्षेत्र में सारथी बनकर अर्जुन का साथ दिया। श्री कृष्ण के रूप में महाभारत के क्षेत्र में सारथी बनकर अर्जुन का साथ दिया। मैं अपने कविता को ही विराम देना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और बस मैंने छोटी सी कविता लिखी अच्छा, थी आप लोगों को। बहुत अच्छा शशि जी, प्रयास आपने बहुत अच्छा लिखा। इस बारे में मैं अर्जुन जी, हमारे जो आज के जो हमारी बिटिया जो आ रहे हैं कविता पाठ के लिए, तो आप उनके लिए अपनी ओर से कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं, ताकि उनमें और ऊर्जा आए और उत्साह आए और जोश आए, और इस तरह से जो इनकी जो है कलम आगे चलती रहे। तो मैं आपके द्वारा इनके लिए एक मैसेज भी चाहता हूँ, आप बताइए अर्जुन सर जी। जी सर, आप सभी जानते हैं कि मुकेश सर भी एक लर्न्ड आदमी है, और आप भी, आपका अनुभव इस साहित्य के क्षेत्र में बहुत लंबा है। तो एक बहुत बड़े विद्वान से मुझे मिलने का मौका मिला, तो उनसे मैंने बातों बातों में पूछ लिया कि मुझे लिखने का शौक है, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि इफ यू वांट टू राइट, स्टार्ट राइटिंग। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखना शुरू कर दो, अर्थात लिखना जरूरी है, आप लिखते रहे। और इसके साथ एक कुछ मैं जोड़ना चाहता हूं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है और अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। इसीलिए अच्छी साहित्यिक पुस्तकों का चयन कीजिए, उन पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे लेखकों, अच्छे कवियों, अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए, ताकि हमारी कलम का भी परिष्कार हो, हम भी अपनी रचनाओं को परिष्कृत कर पाए। और साथ ही साथ लिखते लिखते कई दफा हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं, उस आत्ममुग्धता से हमें बाहर निकलना है और खुला अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को खुला रख के एक सकारात्मक सोच के साथ साहित्यिक जो एक गतिविधि है उसमें हमने हिस्सा लेना होता है। जब हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं तो कब हमारा आत्मविश्वास जो है अति आत्मविश्वास में या ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, वो खुद को भी समझ नहीं आता है। तो हमने उस ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलना है और सीखना। बहुत बड़े बड़े लेखक हुए, कवि हुए, साहित्यकार हुए, वो आजीवन अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी यही कहते रहे कि हम आज भी सीख रहे हैं। तो ये जो सीखने का जो गुण है, इस गुण को ना छोड़े, सीखने के गुण को अपनाते रहें। बस इतनी सी बात मैं कहूंगा, धन्यवाद। बहुत अच्छा, हमारे अर्जुन नेगी जी कटगांव से है और पेशे से ये नौकरी करते हैं, तो इनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मंच के लिए इन्होंने समय निकाला। तो हमारे बीच आए हैं प्रियंका दीपक नेगी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मैं आपके लिए आज दशहरे का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तो अपनी छोटी सी जो रचना है आप प्रस्तुत कीजिए। ये हमारा काव्य मंच है किन्नौर इकाई का। ये हमारा प्रयास रहता है कि इसमें हमारी बेटियाँ, हमारे जो नवोदित जो रचनाकार है, नवोदित जो कलाकार है, इससे जुड़े और किन्नौर को आगे लेके जाए। तो हमारे साथ जुड़े हैं अभी जो प्रियंका बहन, आपके समक्ष आइए। नमस्कार, मैं प्रियंका नेगी, मैं किन्नौर इकाई मंच का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने आज इस काव्य पाठ में मुझे मौका दिया। मैं अपने बड़े भैया श्री रामभद्र नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है नशा युवाओं का। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। नशा युवाओं का। अफीम, गांजा, बीड़ी, सिगरेट ऐसे नशों को अपना रही है। अफीम, गांजा, बीड़ी, सिगरेट ऐसे नशों को अपना रही है। गुर्दे, फेफड़े अपने शरीर के इनके धुएं से जला रही है। गुर्दे, फेफड़े अपने शरीर के इनके धुएं से जला रहे है। नशे का ना करेंगे त्याग, नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रहे हैं।
ऐसी कसम खा रही है। खांस खांस कर कलेजा अपना तड़पा रही है, खांस खांस कर कलेजा अपना तड़पा रही है, जानवरों से बदतर अपना हाल बना रही है, जानवरों से बदतर अपना हाल बना रही है। नशा ही ख्वाब, नशा ही पराग, नशा ही ख्वाब, नशा ही पराग, नशे का ना करेंगे त्याग, ऐसी कसम खा रही है, नशे का ना करेंगे, ऐसा कसम खा रही है। देखो इस युवा पीढ़ी को, देखो इस युवा पीढ़ी को अब किसी से ना शर्मा रही है, अब किसी से ना शर्मा रही है, नशे की लत में मगन अपने घरों में अगन लगा रही है, नशे की लत में मगन अपने घरों में अगन लगा रही है, नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रही है, नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रही है। दारू गुटखा खैनी खाकर, दारू गुटखा खैनी खाकर अपने मजे उड़ा रही है, अपने मजे उड़ा रहे हैं, पर इन नादानों को नहीं पता ये मौत को गले लगा रही है, ये मौत को गले लगा रही है। नशे का ना करेंगे त्याग, नशे का ना करेंगे त्याग, ऐसी कसम खा रही है, ऐसी कसम खा रही है। दारू में धुत होकर अपने घरों को जा रही है, दारू में धुत होकर अपने घरों को जा रही है, जीते जीते अपने माँ बाप को अर्थी पर लेटा रहे है, जीते जीते अपने माँ बाप को अर्थी पर लेटा रही है। नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रही है, नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रही है। चोरी डकैती गुंडागर्दी हर चीज अपना रहे है, चोरी डकैती गुंडागर्दी हर चीज अपना रहे है, नशे को पूरा करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे है, नशे को पूरा करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे है, नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रहे है, नशे का ना करेंगे त्याग ऐसी कसम खा रहे है। धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारी प्रियंका बहन, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि व्यस्त होकर भी आज इन्होंने समय निकाला और इनकी लेखनी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी सुधार होती रह रही है, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कलम चलती रहे। मुकेश सर जी, आज के जो हमारे जो जुड़े हैं बहनें हमारी बिटिया, इनके लिए थोड़ा आप अपनी ओर से कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, सबकी मतलब अच्छी रचनाएं थी, और रचनाओं का जो प्रभाव पड़ता है समाज पर उसका वर्णन करे तो और अच्छा लगता है। तो जहां तक बात है साहित्य की, तो वैसे तो सभी लिखते रहते हैं, पर साहित्य लिखने के साथ साथ अगर साहित्य की कोई पुस्तकें हो उन्हें भी पढ़ें, कोई कहानी लिखता हो तो कहानी की पुस्तक पढ़ें, और कविता लिखता हो तो कविता क्या है और कविता के विविध पहलुओं को जानें। वैसे सभी लिखते हैं, अगर किसी को पता ना हो तब भी लिखते हैं, और लिखा हुआ कोई खराब नहीं होता है, क्योंकि सबकी अपनी मन की भावनाओं को लिखते हैं। तो अपनी कविता की लेखनी में पुस्तकों को पढ़ने से शब्दों का संयोजन होता है, और जितने अच्छे शब्द आएंगे उतना अच्छा अच्छी कविता बनेगी। तो मेरा यही सुझाव है, अगर जब भी मन करता है लिखते रहें और अपनी कविताओं को प्रकाशित करवाने का प्रयास भी करें। अगर आपकी कविताएं किसी प्रकाशक को अच्छी लगती हो तो छापेंगे, अगर अच्छी नहीं लगे वापस आ जाए तो आप सुधार भी कर सकते हैं। बस मेरा यही सुझाव था, धन्यवाद। आप जुड़े हो तो आप अपनी ओर से एक रचना सुना ही लीजिए मंच पर जब जुड़े हैं तो। ठीक है, मैंने एक नशे पर मुक्तक लिखने का प्रयास किया है। वैसे तो आजकल सभी नशा के आदि तो सभी होते हैं, अब हमारा समाज तो ऐसे फिर बिना नशे के रह भी नहीं पाता है, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई बुरी संगति बोलो या कोई दुख दर्द हो तो उसमें अपना लेता है। तो नशे पर एक मुक्तक लिखा है, छोटा सा है। नशा विनाश है फिर भी करते सेवन सभी, दुख दर्द मिटाने का नशा आस बुरा बन गया है जाम। नशे की लत इंसान को है हटा कर रखता सत्य से दूर, होश गंवाए सभी के नशा ही जनजीवन का आसरा बना है।
तो नशा किस तरह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, और जब आदमी नशे में होता है तो उसको कोई होश नहीं होता है कई बार। तो बस मेरा यही सुझाव है कि कम से कम सेवन करें और उतना पिए जितना होश में रहे, वैसे तो ना पिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, यह बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन मैंने एक चीज अनुभव किया, जो हमारा किन्नौर का जो कल्चर है देव समाज से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि जो पीते हैं वो कम पिए। मैं दोबारा बुलाना चाहता हूँ प्रियंका बिटिया से, अगर आपके पास कोई और रचना हो तो दोबारा इस मंच में आकर अपनी रचना सुनाए। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है। जो मेरी अगली कविता है वो धार्मिक कविता है, जिसे प्रार्थना होती है, हम प्रार्थना करते हैं, तो बस उसी के ऊपर लिखी हुई है। सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। ना भटके कहीं मन, बस रहे आप में ध्यान। ना भटके कहीं मन, बस रहे आप में ध्यान। सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। हृदय में सेवा भाव रहे, ना रहे मन में अहंकार। हृदय में सेवा भाव रहे, ना रहे मन में अहंकार। करे बड़ों का आदर, मिले उनका आशीर्वाद। करे बड़ों का आदर, मिले उनका आशीर्वाद। दिल में प्रेम दया बसे रहे, दिल में दया प्रेम बने रहे, ऐसे बने हम इंसान। सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। सच्चे मार्ग पर चले प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। जब भी पड़े मुसीबत हमें, जब भी पड़े मुसीबत हमें, धैर्य कभी हम ना खोए, धैर्य कभी हम ना खोए। जीवन में ऐसे करे, जीवन में ऐसे करे काम कि बना रहे सम्मान। जीवन में ऐसे करे काम कि बना रहे सम्मान। बस अपने चरणों में देना हमको थोड़ा स्थान। बस अपने चरणों में देना हमको थोड़ा स्थान। सच्चे मार्ग पर चले प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। सच्चे मार्ग पर चले प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। जो भी हमने सपने हैं देखे, जो भी हमने सपने हैं देखे, करना उनको साकार। जो भी हमने सपने हैं देखे, करना उनको साकार। ना भटके कहीं कहीं भी मन, ना भटके कहीं भी मन, लगा रहे बस आप में ध्यान। ना भटके कभी भी मन, लगा रहे बस आप में ध्यान। सच्चे मार्ग पर चले प्रभु, दो हमको ऐसा ज्ञान। सच्चे मार्ग पर चले प्रभु, दो हमको ऐसा ज्ञान। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। अर्जुन जी, हम आपकी मधुर आवाज को सुनना चाहते हैं यहाँ पर। ये हमारा एक किन्नौर का पेज है, तो आज आपको अपनी मधुर आवाज के द्वारा गीत, गजल, कुछ भी हो, रचनाएं आपको सुनानी पड़ेगी। तो आपको आमंत्रित करता हूँ कि आज किन्नौर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे मंच से जुड़े हैं और आपका जो एक आवाज है वो सब तक पहुंचे। तो मैं आग्रह करता हूँ आप मंच आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका श्री राम भगत नेगी जी और श्री मुकेश नेगी जी का हार्दिक धन्यवादी हूँ, जो लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना जो आशीर्वाद है ये हम पर बनाए रखना, क्योंकि आपका जो प्रयास है इन प्रयासों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से बैकग्राउंड में आप दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं सबको जोड़ने के लिए, सबका उत्साह वर्धन करने के लिए। तो वाकई में आप दोनों बधाई के पात्र हैं, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना। और साथ ही साथ तभी हम लोग हैं सर। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ किस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो बहनें जुड़ी हैं ये मातृशक्तियां हैं। मैं देख रहा था कि जब बहन प्रियंका जी पीछे से मतलब जब कविता का वाचन कर रहे थे तो बच्चों की भी आवाज आ रही थी, तो इस प्रकार से ये अपने घर के कार्यों को मैनेज करके, बच्चों को मैनेज करके, इस प्रकार से साहित्य सृजन में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और आज हम सभी जानते हैं कि दशहरे का पर्व है, तो इसे दशहरा जो है ये एक असत्य पर सत्य की जो विजय है उसका प्रतीक है।
तो मैं आप सभी को विजयदशमी की दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हमारे मनों में जो रावण बैठा है उस रावण का विनाश हो जाए और हमारे मनों में राम का निवास सदा के लिए हो जाए। तो बहुत अच्छा, इस प्रकार से आज के विषय भी दिए गए कि नशा और धार्मिक, तो मैं भी बैक टू बैक दो रचनाएं आपके सामने रखूंगा। पहली है नशे पर, सभी ने नशे के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी कुछ अपनी रचनाएं अपने भाव व्यक्त किए। मैं बचपन से ही नशे के प्रति मेरे जीवन में जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। मैं इसमें कोई गुमान नहीं है, लेकिन मेरी संगति भी ऐसी रही है और मेरा दृढ़ निश्चय भी ऐसा रहा कि मैंने आज तक ना तो कोई नशा किया है और ना ही कभी भविष्य में ऐसा करने का कोई प्रयोजन है। इसीलिए कहता हूं कि मेरे जीवन में नशे के लिए जीरो टॉलरेंस है। इसीलिए जब मैं युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में गिरता देखता हूं तो मन आहत होता है, क्योंकि जो ऊर्जा सृजन में लगनी चाहिए थी, जो ऊर्जा रचना में लगनी चाहिए, वो विध्वंस के लिए प्रयोग हो रही है, अपने नाश के लिए, अपने परिवार के नाश के लिए और अपने समाज के नाश के लिए वो ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये ऊर्जा सही कार्यों में लगे, रचनात्मक कार्यों में लगे, देश राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे। तो पहली रचना है नशे का अंधकूप। शहर और गांव की गलियों में मिल जाते हैं नौजवान, सिगरेट का धुआं उड़ाते, चरस अफीम गांजा हो गए हैं आम नशे। अब तो चलती हैं नशे की गोलियां, इंजेक्शन, अन्य मादक द्रव्य और सूंघने के नशे। अपने रक्त में नशे की मिलावट कर रहते हैं मदहोश, दिन दुनिया से बेखबर, चिंता मुक्त, नशे के अंधकूप में इस देश का नौजवान भूलता जा रहा है अपनी शक्तियों को, खो रहा है स्वाभिमान, तन मन धन से होता जा रहा निर्बल और रोगी। भरी जवानी में नशे के लिए कांपता बदन, हमने बहुत शरीरों को देखा जो ऊर्जा से भरे हुए रहते थे, लेकिन ये पंक्तियां कह रही हैं कि भरी जवानी में नशे के लिए कांपता बदन दिखाता है उनकी लाचारी और नशे की गुलामी, ऐसी गुलामी जो करवाती है कई अपराध। शक्ति जो सृजन में सहायक होती बन जाती विध्वंस का कारण, जो हाथ चरण छूने के लिए उठने थे नहीं कतराते माता पिता के मारपीट से। चोरी, गुंडागर्दी, यौन अपराध, हर बुरा काम करवाती है यह नशे की गुलामी। माता पिता को कहां मालूम उनके लाडले घर से निकले तो स्कूल या कॉलेज के लिए, पर खो गए नशे के गहन गर्त में। जिस आजाद देश का युवा ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो, इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती है देश की। ओ भारत के युवाओं, छोड़ दो ये गुलाम करने वाले नशे, पहचानो अपने अंदर की शक्ति को। तुम गुलामी के लिए नहीं बने हो, बने हो आजाद रहने के लिए, ऐसी आजादी जिसमें जिम्मेदारी की कैद भी हो। आओ नशा करें जो मेरे तुम्हारे सबके लिए बेहतर और सुखद हो। देश के लिए कुछ कर गुजरने का नशा, बेहतर इंसान बनने का नशा, जो मिसाल हो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। धन्यवाद। तो मैं नौजवानों से निवेदन करता हूँ कि नशा का जो एक सेवन है उसे दूर रहे। तो मैं दोबारा आपसे आग्रह करता हूँ कि आपकी दूसरी रचना जो है वो प्रस्तुत करें। ये गीत रूप में मैं गा के सुनाता हूँ। जिस प्रकार से मैंने कहा कि रावण बाहर नहीं है, रावण हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, आओ उस रावण को मारे। तो मेरी रचना का शीर्षक है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। तो इसको मैं गा के सुनाता हूँ, प्रयास करूंगा तो सफल या असफल वो आप बताएं कैसा प्रयास हूं। मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है,
ये ऐसा सागर है जिसका पार पाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। बसती बसती कानन कानन भटके दिशा दिशा, बसती बसती कानन कानन भटके दिशा दिशा। हाँ लक्ष्य पर अपने ध्यान टिकाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। मन ही में तो बनती है दीवारें नफरत की, मन ही में तो बनती है दीवारें नफरत की। प्रेम है ईश्वर मन को समझाना दुष्कर है, मन गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। व्याकुल पंछी जाने क्या खोजे घूमे इधर उधर, व्याकुल पंछी जाने क्या खोजे घूमे इधर उधर। उन्मुक्त गगन में उड़े एक ठौर बिठाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। सुख मन से दुख भी मन से, मन के ही है ये भरम। सुख मन से दुख भी मन के ही है ये भरम। मन को आनंद की गंगा में बहाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। मन ही है सखा शुभ चिंतक और मन ही है बैरी, मन ही है सखा शुभ चिंतक और मन ही है बैरी। पल पल रंग बदलता है काबू में लाना दुष्कर है, मन ही अनुमान लगाना दुष्कर है। अंधेरा है अज्ञानता का है मैं ही मैं मन में, अंधेरा है अज्ञानता का है मैं ही मैं मन में। सोया हूँ जिनका विवेक जगाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। ये ऐसा सागर है जिसका पार पाना दुष्कर है, मन की गति का अनुमान लगाना दुष्कर है। धन्यवाद जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने प्रस्तुति दी। मन की गति को अंदाज लगाना मुश्किल है सच में, क्योंकि मन एक चंचल है, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें संयम और सहनशील और कर्मशील बनकर मन को हम संयम रख सकते हैं, क्योंकि मन अगर चंचल हो गया तो मन के द्वारा हमारे अहंकार अभिमान काफी चीजें आती है। किस प्रकार से इन्होंने गीत के द्वारा हमको बताया कि एक गहरा एक समुद्र की तरह है, इसे बड़ी चतुराई से संभालना पड़ता है, क्योंकि मन एक बार भटक गया तो लाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं कि मन को हम अपने कलमों के द्वारा संजोए रखें और एकाग्रित मतलब बनाए रखें। मन अगर चंचल भी होता है तो अपने कलम पकड़ के उस चंचल को अपने किताब पर उतारे। तो मैं दोबारा शशि जी, अगर आपके पास कोई रचना कोई और भी हो तो सुना सकते हैं, क्योंकि ये पहला मंच हमारा किन्नौर का अभी समय है हमारे पास, कोई है तो बताइए। कोई भी सुना सकते हो।
है अभी तैयार किया है, आपके पास था, मैंने एक दो बार फेसबुक में सुना था, वो है तो देख सुना लीजिए आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपने म्यूट बटन दबाया होगा, देखना। हेलो सर। हाँ है, कोई रचना है तो आप सुना सकते हो। सर है तो है पर सर अभी यहाँ पे तो अभी मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका पहला, ये हमारे शशि जी है जो अभी पहली बार हमारे मंच से जुड़े हैं और लिखने का प्रयास कर रही है। उसी प्रकार से हमारे बीच में प्रियंका बिटिया जो लॉकडाउन के दौरान इन्होंने भी लिखना सीखा है। अब मैं प्रियंका दीपक नेगी जी को बुलाना चाहता हूं, अपनी दूसरी रचना वो मंच के मंच में आकर सुनाए। जी सर, जी सर। जो मेरी अगली रचना है उसका शीर्षक है सोच बदलो देश बदलेगा। ये मेरे द्वारा सब देशवासियों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। शीर्षक है सोच बदलो देश बदलेगा। हे मानव तू खुद को जगा, हे मानव तू खुद को जगा, विचारों को बदल, सोच से सोच को मिला, सोच से सोच को मिला, रख हुनर में विश्वास अपने, रख हुनर में विश्वास अपने, इस दुनिया को सच्चाई दिखा, इस दुनिया को सच्चाई दिखा, ना विश्वासघात हो कहीं, ना विश्वासघात हो कहीं, ना हो अंधविश्वास, ना हो अंधविश्वास, हर कदम सोच कर बढ़ा, हर कदम सोच कर बढ़ा, नई पहल की उम्मीद जगा, नई पहल की उम्मीद जगा, ना हो नारी अपमान कहीं, ना हो नारी अपमान कहीं, ना कन्या भ्रूण हत्या, ना कन्या भ्रूण हत्या, यह संकल्प लेकर दुनिया को बता, यह संकल्प लेकर दुनिया को बता, बलात्कारियों का सर झुका, बलात्कारियों का सर झुका, हर नारी को सम्मान दिला, हर नारी को सम्मान दिला, ना हो निराश कोई उम्मीद की आस बढ़ा, ना हो ना निराश कोई उम्मीद की आस बढ़ा, चल पर मंजिल की ओर समाज को जगा, चल पर मंजिल की ओर समाज को जगा, ना हो बुराई का बोलबाला कहीं अच्छाई के बीज उगा, ना हो बुराई का बोलबाला कहीं अच्छाई के बीज उगा, रहे भाईचारे से सभी हर हिंदुस्तानी को बता, रहे भाईचारे से सभी हर हिंदुस्तानी को बता, शैतानों का खात्मा कर इंसानियत का पाठ पढ़ा, शैतानों का खात्मा कर इंसानियत का पाठ पढ़ा, रखे बड़ों का सम्मान बुजुर्गों का सम्मान सिखा, रखे बड़ों का मान बुजुर्गों को सम्मान सिखा, हे मानव तू खुद को जगा, हे मानव तू खुद को जगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपकी रचना। दशहरे का त्योहार था तो मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मुकेश सर जी, छोटी सी रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ। अर्जुन सर इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल रखो आप। बिल्कुल दो और क्या। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि दशहरे का प्योर हमारे जो त्योहार है हमारे किन्नौर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार सन्नाटा जैसा था, इसी पर छोटी सी रचना है। हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा है, कोरोना रावण का वध कब होगा, हर तरफ सन्नाटा है, कोरोना रावण का वध कब होगा, कब उसकी चिता जलेगी, हाँ कब उसकी चिता जलेगी, कब उसका अंतिम संस्कार होगा, कब उसका अंतिम संस्कार होगा, आखिर कब राम जी हमारे सुनेंगे, आखिर कब राम जी हमारा सुनेंगे, रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने सीता का हरण किया, अधर्म का मार्ग पर चलकर रावण का विनाश हुआ, अधर्म अधर्म के मार्ग पे चलकर रावण का विनाश हुआ, कोरोना ने पूरे संसार का चीरहरण किया, कोरोना ने पूरे संसार का चीरहरण किया, अर्थव्यवस्था को लुढ़का दिया, लाखों लोगों को खा गया, हमारा रोजगार छीन गया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आज भी कोरोना राक्षस जीवित है, हाँ आज भी कोरोना राक्षस जीवित है,
अच्छे खासे मानव को आज बानर रूपी बना दिया, अच्छे खासे मानव को आज बानर रूपी बना दिया, मुंह में मास्क चिपका कर, हाँ मुंह में मास्क चिपका कर बहु रुपया बना गया, मुंह में मास्क चिपका कर बहुत सुंदर लगते हैं। हे राम कब इस कोरोना राक्षस का अंत होगा, प्रार्थना कर रहा हूं मैं, हे राम कब इस कोरोना राक्षस का अंत होगा, कब हम धूमधाम से दशहरा दिवाली मनाएंगे, कब हम धूमधाम से दशहरा दिवाली मनाएंगे, हर तरफ सन्नाटा है, कोरोना रावण का वध कब होगा, कब उसकी चिता जलेगी, कब उसका अंतिम संस्कार होगा, आखिर कब राम जी हमारे सुनेंगे, आखिर कब राम जी हमारे सुनेंगे। तो इसी विषय पर छोटी सी आज जो त्यौहार था उसी पर, क्योंकि त्यौहार हमारा एक सन्नाटे की ओर से गुजर रहा है, तो मैं मुकेश आपका अनुभव के साथ मैं आपको आग्रह करता हूं कि आज आपकी अपनी रचनाओं का जो है प्रस्तुत करें, और हमारे एक मैसेज और आशीर्वाद भी दीजिए कि इस मंच को ऐसे बनाए रखने के लिए आपका एक योगदान रहता है, आप समय निकालते रहते हो, तो आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें अपना वीडियो सेव करने का अवसर भी मिला स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आज तक हम तो ऐसे ही आज मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम आज मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को अभी सिर्फ 3 लोग देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा इसी प्रोग्राम को 3 लाख लोग देखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता था क्योंकि हम जो हमारी फोटो आती थी अब वीडियो भी आएगा, और उसके साथ साथ अभी एक चीज की कमी लग रही है, वो है कमेंट्स नहीं दिखते, कमेंट्स भी चलते रहते हैं ना, जैसे इसमें दिखा लिखा हुआ है तो पता नहीं ये कमेंट्स का क्या, जैसे हम लाइव प्रस्तुति दे तो साथ साथ देखने वालों का कमेंट्स चलता रहे, जैसे हम और लाइव प्रस्तुति में देखते हैं। जी 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 जी, बाकी ऐसा है कि साहित्य का पढ़ा लिखा होने के नाते हमने तो अपना सारा समय साहित्य लिखने और पढ़ने में प्रतियोगिता में फंसते रहे, उसी में ही तो हम तो वहीं तक सीमित थे, ये तो कविताएं लिखना कहानियां अपनी ओर से लिखना तो हमने बहुत बाद में शुरू किया। तो अच्छा लगा, अब तो किन्नौर के साहित्यकारों को हिमाचल और हिमाचल से बाहर भी लोग जानने लगे, नहीं तो ऐसे बोलते थे कि किन्नौर का तो कोई लिखने वाला होता ही नहीं है, जैसे मैं औरों की बात भी सुनता हूँ, और जितने भी लिखते हैं वो किन्नौर के बारे में लिखते थे, जितने भी किन्नौर के साहित्यकार है पहले के, उनको बस कथाओं या गाथाओं पर, लोकगीतों पर और किन्नौर के इतिहास पर, उस पर तो काफी लिखा हुआ है, सामग्री पुस्तकें भी है, पर इस तरह का हटकर जो हिंदी पर आता है या देश के साथ जुड़ता है वो अब धीरे धीरे नजर आने लगा है जी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस साहित्य में अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, और हो सकता है हमारे में से कोई ना कोई निकल कर कल को देश के साहित्यकारों के मध्य अपना काव्य पाठ भी करें। तो आप सभी को शुभकामनाएं विजयदशमी की। मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगा, धर्म पर लिखा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उड़दंगी हमेशा ऐसी फिराक में रहते हैं। अच्छा, समाज में दबाव डाला जाता है, धर्म के नाम पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है, वहीं कुछ अराजक तत्वों की वजह समाज टूटता नजर आने लगा है। पाप पुण्य के प्रभाव में हम सभी ऐसी स्थिति से अक्सर रूबरू होते हैं। सदगति की राह मानकर परंपराओं को लेकर कई तरह के अनुष्ठान में संलिप्त होते हैं, एकजुटता बनी रहनी चाहिए। ठेस ना अलगाव और पाप से दूर हटने की कोशिश करनी चाहिए। अराजकता की वजह नशा का साधन बनाकर अपने बलबूते दुस्साध्य कार्य थोपे जाने से बचना चाहिए। हमने ऐसे भी देखा है कि जबरदस्ती किसी को काम दिया जाता है,
तो डर के मारे कई लोग अपना ही लेते हैं। धर्म मरम है, इसका सही मतलब हो। धन्यवाद। एक और छोटी सी पर्यावरण पर अगर सुनाना होगा तो पर्यावरण पर भी सुनाना चाहूंगा। कुछ यादों को कविता शैली में लिखने का प्रयास किया था। तो बात थी विज्ञान मेला की, जैसे स्कूलों में होता है आजकल शास्त्र का। हमें समझ नहीं आ रहा, स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस कंपटीशन होता है, तो अब साइंस में क्या तैयार किया जाए, मॉडल बनाना पड़ता है। तो हमने एक उपाय सोचा कि क्यों ना पर्यावरण पर ही सोचा जाए। पर्यावरण का प्रभाव बहुत बढ़ता है, मशीनरी है या कहीं खनन होता है तो उसका कितना असर होता है पर्यावरण पर। तो हमने एक मॉडल तैयार कर रखा था, उस मॉडल में सब पशु पक्षी विचरण करते हुए जंगलों के साथ, मध्य में गांव खेत खलियान हरा भरा, और तीसरा स्टेज जो था वो है जहां हम पौधरोपण करते हैं, जहां रहते हैं वहां फैक्ट्रियां नजदीक, वहां धुआं आता है और किस तरह गंदा पानी साथ साथ बहता है और कितना दूषित वातावरण को करता है। तो अधिक से अधिक पौधे लगाएं पर्यावरण के लिए, तो यही सही रहेगा। और फैक्ट्रियां जो भी आधुनिक निर्माण होता है वो गांव से थोड़ा दूर हटकर होना चाहिए। धन्यवाद, यही मेरा कहना था। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो हम अब अंतिम विदाई लेते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय कवि इकाई जो किन्नौर मंच में जो आज जुड़े थे हमारे अतिथि महोदय आदरणीय अर्जुन नेगी जी और आदरणीय मुकेश जी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ जुड़े थे हमारे बिटिया प्रियंका नेगी जी और प्रियंका दीपक बहन जी और शशि किरण बिटिया जी। तो मैं राम भगत नेगी किन्नौर से राष्ट्रकवि मंच के द्वारा आज के इस दशहरे पर्व का जो एक काव्य पाठ था उसको समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आप लोगों का फिर से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय किन्नौर। धन्यवाद जी।